स्वागत है आप सभी का स्टडी इन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी एग्जाम के सामान्य ज्ञान का टेस्ट पेपर 3। और हाँ, अगर आप एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका ने, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन डी भारत ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस टीम ने जीता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्रोएशिया ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी इंग्लैंड ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन डी 3 वर्ष का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाला हरदयाल का, ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह का, ऑप्शन सी मोहम्मद वरतुल्ला का, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाकरा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबा गुरदीप सिंह का संबंध गदर पार्टी से नहीं था, बाकी इन तीनों का संबंध गदर पार्टी से था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन हार्मोन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन हार्मोन, ऑप्शन डी डोपामाइन हार्मोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी नरजातीय विज्ञान, ऑप्शन सी वंशावली विज्ञान, ऑप्शन डी प्रतिभा शास्त्र विज्ञान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी विज्ञान के अंदर पशुओं और पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी नेमाटोब्लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गेहूं में, ऑप्शन बी चावल में, ऑप्शन सी दाल में, ऑप्शन डी तिलहन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लार्वा का, ऑप्शन बी अंडा का, ऑप्शन सी प्यूपा का, ऑप्शन डी पूर्ण कीट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्यूपा का। प्यूपा से रेशम प्राप्त किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सानिया मिर्जा जो कि टेनिस खेलती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खेलती है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी जो कि क्रिकेट खेलती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जी मिल्खा सिंह एथलीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त के,
ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास दोनों शासक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली से वारंगल, ऑप्शन बी दिल्ली से देवगिरी, ऑप्शन सी दिल्ली से मदुरे, ऑप्शन डी दिल्ली से विजयनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली से देवगिरी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी। आई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंग राजवंश के शासन में, ऑप्शन बी तेंग राजवंश के शासन में, ऑप्शन सी हैन राजवंश के शासन में, ऑप्शन डी चिन राजवंश के शासन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिन राजवंश के शासन में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। आई देते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिमनी, ऑप्शन बी मशरूम चट्टान, ऑप्शन सी यारडांग, ऑप्शन डी करकरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यारडांग। पथरीले रेगिस्तान में जो एक दिशा में हवाएं चलती है वो यारडांग बनाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फाइगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिराओं को, ऑप्शन बी धमनियों को, ऑप्शन सी आंखों को, ऑप्शन डी श्लेष्मक को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धमनियों को मापने के लिए स्फाइगमोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीरंदाजी में, ऑप्शन बी बॉक्सिंग में, ऑप्शन सी बैडमिंटन में, ऑप्शन डी जिम्नास्टिक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है जिन्होंने भारत की ओर से इस खेल में भाग लिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेल्जियम में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी स्वीडन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी और गहरी सुरंग बनी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन डी सीवी रमन द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का नया नाम है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलते हैं इसके अगले SSC GD एग्जाम्स के सामान्य ज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।